दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहां पर हम लोग शेयर करने वाले हैं बहुत सी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यू ट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2023 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि है जी जेनर के रिलेटेड कि यह मूवी जो है वो हमें प्रोवाइड क्या करेगी इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा ये किस कैटेगरी में रिकमेंडेड की जाती है कि ये इस कैटेगरी की मूवी है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि ये साईफाई है या फिर ये थ्रिलर है हॉरर है फैंटेसी है कॉमेडी है एक्शन है क्या है ये मूवी में हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो आप लोगों को बताता चलूँ कि ये एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को एक्शन के साथ साथ रोमांस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एक्शन एंड रोमांस बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेसन है वो मेरे हिसाब से तो एक डिसेंट सी टाइम डोरेसन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेसन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग है फाइव आउट ऑफ टेन

मनुष और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या कि हाँ ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कार्तिक जी कृष्ण जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के, के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो श्रीनिवास जो है वो इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं एंड उन्हीं का साथ दिया है कार्तिक जी कृष्ण ने जिन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से, तरीके से सारी की सारी मूवी की स्टोरी को भी लिखा एंड डायलॉग्स वगैरह को भी लिखा है प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो सुधन सुंदरम और जी जयराम जो है इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ योगी बाबू दिव्यांश अशोक और भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे एक्टर्स अच्छे बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग लो बात करें कि इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो वन चिंथन जो है वो इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर दिया एडिटिंग की बात करें तो जी ए गौतम जो है वो इस मूवी की, की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें म्यूज़िक डायरेक्शन की तो निवास के प्रसन्न जो हैं वो इस मूवी के यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है लेकिन आगे बढ़ते हुए हम बात करते चलें जी कि इस मूवी के यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी कौन सी है तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जी पैशन स्टूडियो जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की प्रोडक्शन को संभाला है अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी इसे किस में रिलीज किया गया तो इस मूवी को यहाँ पर तमिल लैंग्वेज में बनाया गया एंड इसे हिंदी प्लस दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोग इसे अपने थियेटर्स में देख पा रहे थे अपने करीबी थिएटर्स में देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहां पर हम लोग शेयर करने वाले हैं बहुत सी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यू ट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी कर हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2023 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि है जी जेनर के रिलेटेड कि यह मूवी जो है वो हमें प्रोवाइड क्या करेगी इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा ये किस कैटेगरी में रिकमेंडेड की जाती है कि ये इस कैटेगरी की मूवी है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि ये साईफाई है या फिर ये थ्रिलर है हॉरर है फैंटेसी है कॉमेडी है एक्शन है क्या है ये मूवी में हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो आप लोगों को बताता चलूं कि ये एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को एक्शन के साथ साथ रोमांस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एक्शन एंड रोमांस बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से तो एक डिसेंट सी टाइम डोरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से फिफ्टी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को सिद्धार्थ देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को दिव्यांश कौशिक अभिमन्यु सिंह योगी बाबू मनुष और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ, साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया कि ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कार्तिक जी कृष्ण जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो श्रीनिवास जो है वो इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं एंड उन्हीं का साथ दिया है कार्तिक जी कृष्ण ने जिन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की स्टोरी को भी लिखा एंड डायलॉग्स वगैरह को भी लिखा है प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो सुधन सुंदरम और जी जयराम जो है वो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ योगी बाबू दिव्यांश कौशिक और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो वन चिंथन जो है वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर दिया एडिटिंग की बात करें तो जी ए गौतम जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से

टक्कर को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहां पर हम लोग शेयर करने वाले हैं बहुत सी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यू ट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2023 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि है जी जेनर के रिलेटेड कि यह मूवी जो है वो हमें प्रोवाइड क्या करेगी इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा ये किस कैटेगरी में रिकमेंडेड की जाती है कि ये इस कैटेगरी की मूवी है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि ये साईफाई है या फिर ये थ्रिलर है हॉरर है फैंटेसी है कॉमेडी है एक्शन है क्या है ये मूवी में हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो आप लोगों को बताता कि एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को एक्शन के साथ साथ रोमांस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एक्शन एंड रोमांस बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेसन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से तो एक डिसेंट सी टाइम डोरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो हम लोग बात करें गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से 55 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को सिद्धार्थ देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को दिव्यांश कौशिक अभिमन्यु सिंह योगी बाबू मनुष और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है इसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया कि हाँ ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कार्तिक जी कृष्ण जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो श्रीनिवास जो है वो इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं एंड उन्हीं का साथ दिया है कार्तिक जी कृष्ण ने जिन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की स्टोरी को भी लिखा एंड डायलॉग्स वगैरह को भी लिखा है प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो सुधन सुंदरम और जी जयराम जो है वो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ योगी बाबू दिव्यांश श कौशिक और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो वन चिंथन जो है वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर दिया एडिटिंग की बात करें तो जी ए गौतम जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें म्यूज़िक डायरेक्शन की तो निवास के प्रसन्न जो हैं वो इस मूवी के यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे

ये अपने थिएटर्स में देख पा रहे थे अपने करीबी थिएटर्स में देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर हम लोग शेयर करने वाले हैं बहुत सी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यू ट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2023 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि है जी जेनर के रिलेटेड कि यह मूवी जो है वो हमें प्रोवाइड क्या करेगी इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा ये किस कैटेगरी में रिकमेंडेड की जाती है कि ये इस कैटेगरी की मूवी है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि ये साईफाई है या फिर ये थ्रिलर है हॉरर है फैंटेसी है कॉमेडी है एक्शन है क्या है ये मूवी में हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो आप लोगों को बताता चलूँ कि ये एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को एक्शन के साथ साथ रोमांस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एक्शन एंड रोमांस बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेसन है वो मेरे हिसाब से तो एक डिसेंट सी टाइम डोरेसन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग है फाइव आउट ऑफ टेन

मनुष और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या कि हाँ ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कार्तिक जी कृष्ण जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो श्रीनिवास जो है वो इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं एंड उन्हीं का साथ दिया है कार्तिक जी कृष्ण ने जिन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की स्टोरी को भी लिखा एंड डायलॉग्स वगैरह को भी लिखा है प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो सुधन सुंदरम और जी जयराम जो है इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ योगी बाबू दिव्यांश शकोर और भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे एक्टर्स अच्छे बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो तोन चिंथन जो है वो इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर दिया एडिटिंग की बात करें तो जी ए गौतम जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें म्यूज़िक डायरेक्शन की तो निवास के प्रसन्न जो हैं वो इस मूवी के यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है लेकिन आगे बढ़ते हुए हम बात करते चलें जी कि इस मूवी के यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी कौन सी है तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जी पैशन स्टूडियो जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की प्रोडक्शन को संभाला है अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी इसे किस में रिलीज़ किया गया तो इस मूवी को यहाँ पर तमिल लैंग्वेज में बनाया गया एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोग इसे ये अपने थिएटर्स में देख पा रहे थे अपने करीबी थिएटर्स में देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर एंजॉय कर दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहां पर हम लोग शेयर करने वाले हैं बहुत सी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यू ट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉमेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2023 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि है जी जेनर के रिलेटेड कि यह मूवी जो है वो हमें प्रोवाइड क्या करेगी इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा ये किस कैटेगरी में रिकमेंडेड की जाती है कि ये इस कैटेगरी की मूवी है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि ये साईफाई है या फिर ये थ्रिलर है हॉरर है फैंटेसी है कॉमेडी है एक्शन है क्या है ये मूवी में हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो आप लोगों को बताता चलूं कि यह एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को एक्शन के साथ साथ रोमांस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एक्शन एंड रोमांस बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से तो एक डिसेंट सी टाइम डोरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 55 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को सिद्धार्थ देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को दिव्यांश कौशिक अभिमन्यु सिंह जोगी बाबू मनुष और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ, साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया कि ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कार्तिक जी कृष्ण जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो श्रीनिवास जो है वो इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं एंड उन्हीं का साथ दिया है कार्तिक जी कृष्ण ने जिन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की स्टोरी को भी लिखा एंड डायलॉग्स वगैरह को भी लिखा है प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो सुधन सुंदरम और जी जयराम जो है वो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ योगी बाबू दिव्यांश कौशिक और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो वन चिंथन जो है वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया एडिटिंग की बात करें तो जी ए गौतम जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से

संभाला है अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी इसे किस में रिलीज किया गया तो इस मूवी को यहाँ पर तमिल लैंग्वेज में बनाया गया एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोग इसे ये अपने थिएटर्स में देख पा रहे थे अपने करीबी थिएटर्स में देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर एंजॉय कर दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहां पर हम लोग शेयर करने वाले हैं बहुत सी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यू ट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2023 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि है जी जेनर के रिलेटेड कि यह मूवी जो है वो हमें प्रोवाइड क्या करेगी इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा ये किस कैटेगरी में रिकमेंडेड की जाती है कि ये इस कैटेगरी की मूवी है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि ये साईफाई है या फिर ये थ्रिलर है हॉरर है फैंटेसी है कॉमेडी है एक्शन है क्या है ये मूवी में हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो आप लोगों को बताता चलो कि ये एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को एक्शन के साथ साथ रोमांस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एक्शन एंड रोमांस बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेसन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से तो एक डिसेंट सी टाइम डोरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेसन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो रेटिंग है वो है यूजर्स की, की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से फिफ्टी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को सिद्धार्थ देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को दिव्यांश या कौशिक अभिमन्यु सिंह योगी बाबू मनुष और भी सारे actors, बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है इसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया कि यह ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कार्तिक जी कृष्ण जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो श्रीनिवास जो है वो इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं एंड उन्हीं का साथ दिया है कार्तिक जी कृष्ण ने जिन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की स्टोरी को भी लिखा एंड डायलॉग्स वगैरह को भी लिखा है प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो सुधन सुंदरम और जी जयराम जो है वो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ योगी बाबू दिव्यांश कौशिक और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो वन चिंथन जो है वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर दिया एडिटिंग की बात करें तो जी ए गौतम जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें म्यूज़िक डायरेक्शन की तो निवास के प्रसन्न जो हैं वो इस मूवी के यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे

ये अपने थिएटर्स में देख पा रहे थे अपने करीबी थिएटर्स में देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहां पर हम लोग शेयर करने वाले हैं बहुत सी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2023 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि है जी जेनर के रिलेटेड कि ये मूवी जो है वो हमें प्रोवाइड क्या करेगी इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा ये किस कैटेगरी में रिकमेंडेड की जाती है कि ये इस कैटेगरी की मूवी है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि ये साईफाई है या फिर ये थ्रिलर है हॉरर है फैंटेसी है कॉमेडी है एक्शन है क्या है ये मूवी में हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो आप लोगों को बताता चलूँ कि ये एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को एक्शन के साथ साथ रोमांस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एक्शन एंड रोमांस बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेसन है वो मेरे हिसाब से तो एक डिसेंट सी टाइम डोरेसन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग है फाइव आउट ऑफ टेन

मनुष और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कार्तिक जी कृष्ण जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो श्रीनिवास जो है वो इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं एंड उन्हीं का साथ दिया है कार्तिक जी कृष्ण जी ने जिन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की स्टोरी को भी लिखा एंड डायलॉग्स वगैरह को भी लिखा है प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो सुधन सुंदरम और जी जयाराम जो है इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ योगी बाबू दिव्यांश कौशिक और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो वन चिंथन जो है वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर दिया एडिटिंग की बात करें तो जी ए गौतम जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से

संभाला है अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी इसे किस में रिलीज किया गया तो इस मूवी को यहाँ पर तमिल लैंग्वेज में बनाया गया एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोग इसे ये अपने थिएटर्स में देख पा रहे थे अपने करीबी थिएटर्स में देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर एंजॉय कर दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहां पर हम लोग शेयर करने वाले हैं बहुत सी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यू YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2023 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि है जी जेनर के रिलेटेड कि यह मूवी जो है वो हमें प्रोवाइड क्या करेगी इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा ये किस कैटेगरी में रिकमेंडेड की जाती है कि ये इस कैटेगरी की मूवी है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि ये साईफाई है या फिर ये थ्रिलर है हॉरर है फैंटेसी है कॉमेडी है एक्शन है क्या है ये मूवी में हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो आप लोगों को बताता चलूँ कि ये एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को एक्शन के साथ साथ रोमांस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एक्शन एंड रोमांस बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से तो एक डिसेंट सी टाइम डोरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होने ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग है 5.8 पॉइंट एट आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से 55 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को सिद्धार्थ देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को दिव्यांश श कौशिक अभिमन्यु सिंह जोगी बाबू मनुष और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है एंड उसी के साथ साथ, साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया कि ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कार्तिक जी कृष्ण जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो श्रीनिवास जो है वो इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं एंड उन्हीं का साथ दिया है कार्तिक जी कृष्ण ने जिन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की स्टोरी को भी लिखा एंड डायलॉग्स वगैरह को भी लिखा है प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो सुधन सुंदरम और जी जयराम जो है वो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ योगी बाबू दिव्यांश श कौशिक और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो वन चिंतन जो है वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर दिया एडिटिंग की बात करें तो जी ए गौतम जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से

संभाला है अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी किस में रिलीज किया गया तो इस मूवी को यहाँ पर तमिल लैंग्वेज में बनाया गया एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोग इसे ये अपने थिएटर्स में देख पा रहे थे अपने करीबी थिएटर्स में देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर एंजॉय कर दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहां पर हम लोग शेयर करने वाले हैं बहुत सी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यू ट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2023 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि है जी जेनर के रिलेटेड कि यह मूवी जो है वो हमें प्रोवाइड क्या करेगी इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा ये किस कैटेगरी में रिकमेंडेड की जाती है कि ये इस कैटेगरी की मूवी है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि ये साईफाई है या फिर ये थ्रिलर है हॉरर है फैंटेसी है कॉमेडी है एक्शन है क्या है ये मूवी में हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो आप लोगों को बताता चलूं कि ये एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को एक्शन के साथ साथ रोमांस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एक्शन एंड रोमांस बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से तो एक डिसेंट सी टाइम डोरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी यहां पर इस मूवी की आईएमडीबी आईएमडीबी रेटिंग रेटिंग है है 5.8 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से फिफ्टी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को सिद्धार्थ देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को दिव्यांश कौशिक अभिमन्यु सिंह योगी बाबू मनुष और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ, साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया कि ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कार्तिक जी कृष्ण जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो श्रीनिवास जो है वो इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं एंड उन्हीं का साथ दिया है कार्तिक जी कृष्ण ने जिन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की स्टोरी को भी लिखा एंड डायलॉग्स वगैरह को भी लिखा है प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो सुधन सुंदरम और जी जयराम जो है वो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ योगी बाबू दिव्यांश शा कौशिक और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो वन चिंथन जो है वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर दिया एडिटिंग की बात करें तो जी ए गौतम जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें म्यूज़िक डायरेक्शन की तो निवास के प्रसन्न जो हैं वो इस मूवी के यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे

ये अपने थिएटर्स में देख पा रहे थे अपने करीबी थिएटर्स में देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर हम लोग शेयर करने वाले हैं बहुत सी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2023 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि है जी जेनर के रिलेटेड कि ये मूवी जो है वो हमें प्रोवाइड क्या करेगी इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा ये किस कैटेगरी में रिकमेंडेड की जाती है कि ये इस कैटेगरी की मूवी है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि ये साईफाई है या फिर ये थ्रिलर है हॉरर है फैंटेसी है कॉमेडी है एक्शन है क्या है ये मूवी में हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो आप लोगों को बताता चलूँ कि ये एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को एक्शन के साथ साथ रोमांस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एक्शन एंड रोमांस बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो एक डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग है फाइव आउट ऑफ टेन

मनुष और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कार्तिक जी जी कृष्ण जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो श्रीनिवास जो है वो इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं एंड उन्हीं का साथ दिया है कार्तिक जी कृष्ण ने जिन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की स्टोरी को भी लिखा एंड डायलॉग्स वगैरह को भी लिखा है प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो सुधन सुंदरम और जी जयाराम जो है इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ योगी बाबू दिव्यांश श कौशिक और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो वन चिंथन जो है वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर दिया एडिटिंग की बात करें तो जी ए गौतम जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से

संभाला है अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी इसे किस में रिलीज किया गया तो इस मूवी को यहाँ पर तमिल लैंग्वेज में बनाया गया एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोग इसे ये अपने थिएटर्स में देख पा रहे थे अपने करीबी थिएटर्स में देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर एंजॉय कर दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर हम लोग शेयर करने वाले हैं बहुत सी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2023 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि है जी जेनर के रिलेटेड कि यह मूवी जो है वो हमें प्रोवाइड क्या करेगी इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा ये किस कैटेगरी में रिकमेंडेड की जाती है कि ये इस कैटेगरी की मूवी है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि ये साईफाई है या फिर ये थ्रिलर है हॉरर है फैंटेसी है कॉमेडी है एक्शन है क्या है ये मूवी में हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो आप लोगों को बताता चलूं कि ये एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को एक्शन के साथ साथ रोमांस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एक्शन एंड रोमांस बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो एक डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से फिफ्टी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को सिद्धार्थ देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को दिव्यांश व्यांश कौशिक अभिमन्यु सिंह जोगी बाबू मनुष और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन एंड उसी के साथ साथ, साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया कि ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कार्तिक जी कृष्ण जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो श्रीनिवास जो है वो इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं एंड उन्हीं का साथ दिया है कार्तिक जी कृष्ण ने जिन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की स्टोरी को भी लिखा एंड डायलॉग्स वगैरह को भी लिखा है प्रोड्यूसर्स की अगर यहां पर हम लोग बात करें तो सुधन सुंदरम और जी जयराम जो है वो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ योगी बाबू दिव्यांश कौशिक और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो ओवन चिंतन जो है वो इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर दिया एडिटिंग की बात करें तो जी ए गौतम जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से

संभाला है अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी इसे किस में रिलीज किया गया तो इस मूवी को यहाँ पर तमिल लैंग्वेज में बनाया गया एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोग इसे ये अपने थिएटर्स में देख पा रहे थे अपने करीबी थिएटर्स में देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहां पर हम लोग शेयर करने वाले हैं बहुत सी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यू YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2023 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे मेन एंड इम्पॉटेंट क्वेश्चन की जो कि है जी जेनर के रिलेटेड कि यह मूवी जो है वो हमें प्रोवाइड क्या करेगी इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा ये किस कैटेगरी में रिकमेंडेड की जाती है कि ये इस कैटेगरी की मूवी है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि ये साईफाई है या फिर ये थ्रिलर है हॉरर है फैंटेसी है कॉमेडी है एक्शन है क्या है ये मूवी में हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो आप लोगों को बताता कि ये एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को एक्शन के साथ साथ रोमांस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एक्शन एंड रोमांस बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस, थी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो एक डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग क्या एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से फिफ्टी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को सिद्धार्थ देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को दिव्यांश कौशिक अभिमन्यु सिंह योगी बाबू मनुष और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ, साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया कि ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कार्तिक जी कृष्ण जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो श्रीनिवास जो है वो इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं एंड उन्हीं का साथ दिया है कार्तिक जी कृष्ण ने जिन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की स्टोरी को भी लिखा एंड डायलॉग्स वगैरह को भी लिखा है प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो सुधन सुंदरम और जी जयराम जो है वो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ योगी बाबू दिव्यांगश कौशिक और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो वन चिंथन जो है वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम दिया एडिटिंग की बात करें तो जी ए गौतम जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें म्यूज़िक डायरेक्शन की तो निवास के प्रसन्न जो हैं वो इस मूवी के यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके तो से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है लेकिन आगे बढ़ते हुए हम बात करते चलें जी कि इस मूवी के यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी कौन सी है तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जी पैशन स्टूडियो जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की प्रोडक्शन को संभाला है अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी इसे किस में रिलीज किया गया तो इस मूवी को यहाँ पर तमिल लैंग्वेज में बनाया गया एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोग इसे ये अपने थिएटर्स में देख पा रहे थे अपने करीबी थिएटर्स में देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक्कर को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर हम लोग शेयर करने वाले हैं बहुत सी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2023 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि है जी जेनर के रिलेटेड कि ये मूवी जो है वो हमें प्रोवाइड क्या करेगी इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा ये किस कैटेगरी में रिकमेंडेड की जाती है कि ये इस कैटेगरी की मूवी है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि ये साईफाई है या फिर ये थ्रिलर है हॉरर है फैंटेसी है कॉमेडी है एक्शन है क्या है ये मूवी में हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो आप लोगों को बताता चलूँ कि ये एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को एक्शन के साथ साथ रोमांस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एक्शन एंड रोमांस बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेसन है वो मेरे हिसाब से तो एक डिसेंट सी टाइम डोरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेसन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग है फाइव आउट ऑफ टेन

मनुष और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या कि ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कार्तिक जी जी कृष्ण जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो श्रीनिवास जो है वो इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं एंड उन्हीं का साथ दिया है कार्तिक जी कृष्ण ने जिन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की स्टोरी को भी लिखा एंड डायलॉग्स वगैरह को भी लिखा है प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो सुधन सुंदरम और जी जयराम जो है वो मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ योगी बाबू दिव्यांश कौशिक और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो ओवन चिंथन जो है वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर दिया एडिटिंग की बात करें तो जी ए गौतम जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से

संभाला है अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी इसे किस में रिलीज किया गया तो इस मूवी को यहाँ पर तमिल लैंग्वेज में बनाया गया एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोग इसे ये अपने थिएटर्स में देख पा रहे थे अपने करीबी थिएटर्स में देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर एंजॉय कर दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर हम लोग शेयर करने वाले हैं बहुत सी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2023 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि है जी जेनर के रिलेटेड कि यह मूवी जो है वो हमें प्रोवाइड क्या करेगी इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा ये किस कैटेगरी में रिकमेंडेड की जाती है कि ये इस कैटेगरी की मूवी है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि ये साईफाई है या फिर ये थ्रिलर है हॉरर है फैंटेसी है कॉमेडी है एक्शन है क्या है ये मूवी में हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो आप लोगों को बताता चलूँ कि ये एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को एक्शन के साथ साथ रोमांस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एक्शन एंड रोमांस बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से तो एक डिसेंट सी टाइम डोरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से फिफ्टी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को सिद्धार्थ देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को दिव्यांश कौशिक अभिमन्यु सिंह जोगी बाबू मनुष और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ, साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया कि ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कार्तिक जी कृष्ण ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो श्रीनिवास जो है वो इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं एंड उन्हीं का साथ दिया है कार्तिक जी कृष्ण ने जिन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की स्टोरी को भी लिखा एंड डायलॉग्स वगैरह को भी लिखा है प्रोड्यूसर्स की अगर यहां पर हम लोग बात करें तो सुधन सुंदरम और जी जयराम जो है वो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ योगी बाबू दिव्यांश कौशिक और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो वन चिंथन जो है वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर दिया एडिटिंग की बात करें तो जी ए गौतम जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर पर हम लोग बात करें, है लेकिन आगे बढ़ते हुए हम बात करते चलें जी कि इस मूवी के यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी कौन सी है तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जी पैशन स्टूडियो जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी, के सारी की सारी मूवी की प्रोडक्शन को संभाला है अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी इसे किस में रिलीज़ किया गया तो इस मूवी को यहाँ पर तमिल लैंग्वेज में बनाया गया एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोग इसे ये अपने थिएटर्स में देख पा रहे थे अपने करीबी थिएटर्स में देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर एंजॉय कर दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर हम लोग शेयर करने वाले हैं बहुत सी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2023 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि है जी जेनर के रिलेटेड कि यह मूवी जो है वो हमें प्रोवाइड क्या करेगी इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा ये किस कैटेगरी में रिकमेंडेड की जाती है कि ये इस कैटेगरी की मूवी है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि ये साईफाई है या फिर ये थ्रिलर है हॉरर है फैंटेसी है कॉमेडी है एक्शन है क्या है ये मूवी में हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो आप लोगों को बताता कि ये एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को एक्शन के साथ साथ रोमांस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एक्शन एंड रोमांस बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो एक डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की आई एम टी वी रेटिंग क्या

को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को सिद्धार्थ देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को दिव्यांश कौशिक अभिमन्यु सिंह योगी बाबू मनुष और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ, साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया कि ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कार्तिक जी कृष्ण ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो श्रीनिवास जो है वो इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं एंड उन्हीं का साथ दिया है कार्तिक जी कृष्ण ने जिन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की स्टोरी को भी लिखा एंड डायलॉग्स वगैरह को भी लिखा है प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो सुधन सुंदरम और जी जयराम जो है वो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ योगी बाबू दिव्यांग शौशिक और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो वन चिंथन जो है वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम दिया एडिटिंग की बात करें तो जी ए गौतम जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें म्यूज़िक डायरेक्शन की तो निवास के प्रसन्न जो हैं वो इस मूवी के यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है लेकिन आगे बढ़ते हुए हम बात करते चले जी कि इस मूवी के यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी कौन सी है तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जी पैशन स्टूडियो जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की प्रोडक्शन को संभाला है अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी इसे किस में रिलीज किया गया तो इस मूवी को यहाँ पर तमिल लैंग्वेज में बनाया गया एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोग इसे ये अपने थिएटर्स में देख पा रहे थे अपने करीबी थिएटर्स में देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर हम लोग शेयर करने वाले हैं बहुत सी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब ऊपर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2023 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि है जी जेनर के रिलेटेड कि यह मूवी जो है वो हमें प्रोवाइड क्या करेगी इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा ये किस कैटेगरी में रिकमेंडेड की जाती है कि ये इस कैटेगरी की मूवी है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि ये साईफाई है या फिर ये थ्रिलर है हॉरर है फैंटेसी है कॉमेडी है एक्शन है क्या है ये मूवी में हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो आप लोगों को बताता चलूँ कि ये एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को एक्शन के साथ साथ रोमांस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एक्शन एंड रोमांस बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेसन है वो मेरे हिसाब से तो एक डिसेंट सी टाइम डोरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेसन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेसन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग है फाइव आउट ऑफ टेन

मनुष और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन एंड उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया कि ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कार्तिक जी कृष्ण जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो श्रीनिवास जो है वो इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं एंड उन्हीं का साथ दिया है कार्तिक जी कृष्ण ने जिन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह से सारी, सारी की सारी मूवी की स्टोरी को भी लिखा एंड डायलॉग्स वगैरह को भी लिखा है प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो सुधन सुंदरम और जी जयराम जो है वो इस के में आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ योगी बाबू दिव्यांश कौशिक और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो वन चिंथन जो है वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर दिया एडिटिंग की बात करें तो जी ए गौतम जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से

संभाला है अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी इसे किस में रिलीज किया गया तो इस मूवी को यहाँ पर तमिल लैंग्वेज में बनाया गया एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोग इसे ये अपने थिएटर्स में देख पा रहे थे अपने करीबी थिएटर्स में देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर एंजॉय कर दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर हम लोग शेयर करने वाले हैं बहुत सी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब ऊपर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी कर हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2023 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि है जी जेनर के रिलेटेड कि ये मूवी जो है वो हमें प्रोवाइड क्या करेगी इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा ये किस कैटेगरी में रिकमेंडेड की जाती है कि ये इस कैटेगरी की मूवी है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि ये साईफाई है या फिर ये थ्रिलर है हॉरर है फैंटेसी है कॉमेडी है एक्शन है क्या है ये मूवी में हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो आप लोगों को बताता चलूँ कि ये एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को एक्शन के साथ साथ रोमांस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एक्शन एंड रोमांस बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से तो एक डिसेंट सी टाइम डोरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से 55 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को सिद्धार्थ देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को दिव्यांश कौशिक अभिमन्यु सिंह जोगी बाबू मनुष और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ, साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया कि ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कार्तिक जी कृष्ण जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो श्रीनिवास जो है वो इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं एंड उन्हीं का साथ दिया है कार्तिक जी कृष्ण ने जिन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह तरीके से सारी की सारी मूवी की स्टोरी को भी लिखा एंड डायलॉग्स वगैरह को भी लिखा है प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो सुधन सुंदरम और जी जयराम जो है वो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ योगी बाबू दिव्यांग शौशिक और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो तोन चिंथन जो है वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम दिया एडिटिंग की बात करें तो जी ए गौतम जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें म्यूज़िक डायरेक्शन की तो निवास के प्रसन्न जो हैं वो इस मूवी के यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है लेकिन आगे बढ़ते हुए हम बात करते चलें जी कि इस मूवी के यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी कौन सी है तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जी पैशन स्टूडियो जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की प्रोडक्शन को संभाला है अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी इसे किस में रिलीज़ किया गया तो इस मूवी को यहाँ पर तमिल लैंग्वेज में बनाया गया एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोग इसे अपने थिएटर्स में देख पा रहे थे अपने करीबी थिएटर्स में देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर हम लोग शेयर करने वाले हैं बहुत सी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2023 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि है जी जेनर के रिलेटेड कि यह मूवी जो है वो हमें प्रोवाइड क्या करेगी इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा ये किस कैटेगरी में रिकमेंडेड की जाती है कि ये इस कैटेगरी की मूवी है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि ये साईफाई है या फिर ये थ्रिलर है हॉरर है फैंटेसी है कॉमेडी है एक्शन है क्या है ये मूवी में हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो आप लोगों को बताता चलूँ कि ये एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को एक्शन के साथ साथ रोमांस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एक्शन एंड रोमांस बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेसन है वो मेरे हिसाब से तो एक डिसेंट सी टाइम डोरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेसन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेसन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग है फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इसे के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो अच्छी बात करते हैं जी, कास्टिंग की, कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप को सिद्धार्थ देखने को मिल जाएंगे दिव्यांश कौशिक अभिमन्यु सिंह योगी बाबू मनुष और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ, साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया कि ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कार्तिक जी कृष्ण ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो श्रीनिवास जो है वो इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं एंड उन्हीं का साथ दिया है कार्तिक जी कृष्ण ने जिन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे

लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो वन चिंथन जो है वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर दिया एडिटिंग की बात करें तो जी ए गौतम जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें म्यूज़िक डायरेक्शन की तो निवास के प्रसन्न जो है वो इस मूवी के यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है लेकिन आगे बढ़ते हुए हम बात करते चलें जी कि इस मूवी के यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी कौन सी है तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जी पैशन स्टूडियो जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की प्रोडक्शन को संभाला है अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी इसे किस में रिलीज किया गया तो इस मूवी को यहाँ पर तमिल लैंग्वेज में बनाया गया एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोग इसे ये अपने थिएटर्स में देख पा रहे थे अपने करीबी थिएटर्स में देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर हम लोग शेयर करने वाले हैं बहुत सी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट ऊपर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2023 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि है जी जेनर के रिलेटेड कि ये मूवी जो है वो हमें प्रोवाइड क्या करेगी इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा ये किस कैटेगरी में रिकमेंडेड की जाती है कि ये इस कैटेगरी की मूवी है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि ये साईफाई है या फिर ये थ्रिलर है हॉरर है फैंटेसी है कॉमेडी है एक्शन है क्या है ये मूवी में हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो आप लोगों को बताता चलूँ कि ये एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को एक्शन के साथ साथ रोमांस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एक्शन एंड रोमांस बहुत ही अच्छे अंदाज़ में देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो एक डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग है फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इसे के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो काफी अच्छी खासी है अब हम बात करते हैं जी, कास्टिंग की कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे तो सिद्धार्थ देखने को मिल जाएंगे दिव्यांश कौशिक अभिमन्यु सिंह योगी बाबू मनुष और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया कि यह ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कार्तिक जी कृष्ण जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो श्रीनिवास जो है वो इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं एंड उन्हीं का साथ दिया है कार्तिक जी कृष्ण ने जिन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह तरीके से सारी की सारी मूवी की स्टोरी को भी लिखा एंड डायलॉग्स वगैरह को भी लिखा है प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो सुधन सुंदरम और जी जयाराम जो है वो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ योगी बाबू दिव्यांश कौशिक और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो वन चिंतन जो है वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर दिया एडिटिंग की बात करें तो जी ए गौतम जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर पर हम लोग बात करें, है लेकिन आगे बढ़ते हुए हम बात करते चले जी कि इस मूवी के यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी कौन सी है तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जी पैशन स्टूडियो जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी, के सारी की सारी मूवी की प्रोडक्शन को संभाला है अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी इसे किस में रिलीज किया गया तो इस मूवी को यहाँ पर तमिल लैंग्वेज में बनाया गया एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोग इसे ये अपने थिएटर्स में देख पा रहे थे अपने करीबी थिएटर्स में देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर हम लोग शेयर करने वाले हैं बहुत सी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट ऊपर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2023 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि है जी जेनर के रिलेटेड कि यह मूवी जो है वो हमें प्रोवाइड क्या करेगी इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा ये किस कैटेगरी में रिकमेंडेड की जाती है कि ये इस कैटेगरी की मूवी है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि ये साईफाई है या फिर ये थ्रिलर है हॉरर है फैंटेसी है कॉमेडी है एक्शन है क्या है ये मूवी में हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो आप लोगों को बताता चलूं कि यह एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को एक्शन के साथ साथ रोमांस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एक्शन एंड रोमांस बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो एक डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग है फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इसे के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो अच्छी बात करते हैं जी, कास्टिंग की कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे तो सिद्धार्थ देखने को मिल जाएंगे दिव्यांश कौशिक अभिमन्यु सिंह योगी बाबू मनुष और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ, साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया कि ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कार्तिक जी कृष्ण जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो श्रीनिवास जो है वो इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं एंड उन्हीं का साथ दिया है कार्तिक जी कृष्ण ने जिन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह तरीके से सारी की सारी मूवी की स्टोरी को भी लिखा एंड डायलॉग्स वगैरह को भी लिखा है प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो सुधन सुंदरम और जी जयराम जो है वो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ योगी बाबू दिव्यांगश कौशिक और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो वन चिंथन जो है वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर दिया एडिटिंग की बात करें तो जी ए गौतम जो है वो इस, इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें म्यूज़िक डायरेक्शन की तो निवास के प्रसन्न जो हैं वो इस मूवी के यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है लेकिन आगे बढ़ते हुए हम बात करते चलें जी कि इस मूवी के यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी कौन सी है तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जी पैशन स्टूडियो जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की प्रोडक्शन को संभाला है अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी इसे किस में रिलीज़ किया गया तो इस मूवी को यहाँ पर तमिल लैंग्वेज में बनाया गया एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोग इसे अपने थिएटर्स में देख पा रहे थे अपने करीबी थिएटर्स में देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर हम लोग शेयर करने वाले हैं बहुत सी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2023 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि है जी जेनर के रिलेटेड कि यह मूवी जो है वो हमें प्रोवाइड क्या करेगी इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा ये किस कैटेगरी में रिकमेंडेड की जाती है कि ये इस कैटेगरी की मूवी है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि ये साईफाई है या फिर ये थ्रिलर है हॉरर है फैंटेसी है कॉमेडी है एक्शन है क्या है ये मूवी में हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो आप लोगों को बताता कि एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को एक्शन के साथ साथ रोमांस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोगों को यहां पर एक्शन एंड रोमांस बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन एवरेज और सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेसन है वो मेरे हिसाब से तो एक डिसेंट सी टाइम डोरेसन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेसन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या

को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को सिद्धार्थ देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को दिव्यांश कौशिक अभिमन्यु सिंह योगी बाबू मनुष और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ, साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया कि आ ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कार्तिक जी कृष्ण जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो श्रीनिवास जो है वो इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं एंड उन्हीं का साथ दिया है कार्तिक जी कृष्ण ने जिन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह से सारी की सारी मूवी की स्टोरी को भी लिखा एंड डायलॉग्स वगैरह को भी लिखा है प्रोड्यूसर्स तो, को को तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ योगी बाबू दिव्यांग कौशिक और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे आप लोगों को इसकी कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो वन चिंथन जो है वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम दिया एडिटिंग की बात करें तो जी ए गौतम जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें म्यूज़िक डायरेक्शन की तो निवास के प्रसन्न जो हैं वो इस मूवी के यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है लेकिन आगे बढ़ते हुए हम बात करते चलें जी संभाला है अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई में रिलीज किया गया तो इस मूवी को यहाँ पर तमिल लैंग्वेज में बनाया गया एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोग इसे ये अपने थिएटर्स में देख पा रहे थे अपने करीबी थिएटर्स में देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर हम लोग शेयर करने वाले हैं बहुत सी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2023 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि है जी जेनर के रिलेटेड कि यह मूवी जो है वो हमें प्रोवाइड क्या करेगी इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा ये किस कैटेगरी में रिकमेंडेड की जाती है कि ये इस कैटेगरी की मूवी है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि ये साईफाई है या फिर ये थ्रिलर है हॉरर है फैंटेसी है कॉमेडी है एक्शन है क्या है ये मूवी में हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो आप लोगों को बताता चलूं कि यह एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को एक्शन के साथ साथ रोमांस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एक्शन एंड रोमांस बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेसन है वो मेरे हिसाब से तो एक डिसेंट सी टाइम डोरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेसन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेसन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग है फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से यूजर्सेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को सिद्धार्थ देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को दिव्यांगश कौशिक अभिमन्यु सिंह योगी बाबू मनुष और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया कि हाँ ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कार्तिक जी कृष्ण जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो श्रीनिवास जो है वो इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं एंड उन्हीं का साथ दिया है कार्तिक जी कृष्ण ने जिन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह तरीके से सारी की सारी मूवी की स्टोरी को भी लिखा एंड डायलॉग्स वगैरह को भी लिखा है प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो सुधन सुंदरम और जी जयाराम जो है वो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ योगी बाबू दिव्यांश श कौशिक और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो वन चिंतन जो है वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर दिया एडिटिंग की बात करें तो जी ए गौतम जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से

संभाला है अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी इसे किस में रिलीज किया गया तो इस मूवी को यहाँ पर तमिल लैंग्वेज में बनाया गया एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोग इसे ये अपने में देख पा रहे थे अपने करीबी थिएटर्स में देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर हम लोग शेयर करने वाले हैं बहुत सी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यू ट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2023 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि है जी जेनर के रिलेटेड कि यह मूवी जो है वो हमें प्रोवाइड क्या करेगी इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा ये किस कैटेगरी में रिकमेंडेड की जाती है कि ये इस कैटेगरी की मूवी है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि ये साईफाई है या फिर ये थ्रिलर है हॉरर है फैंटेसी है कॉमेडी है एक्शन है क्या है ये मूवी में हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो आप लोगों को बताता चलूँ कि ये एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को एक्शन के साथ साथ रोमांस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एक्शन एंड रोमांस बहुत ही अच्छे अंदाज़ में देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से तो एक डिसेंट सी टाइम डोरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 55 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को सिद्धार्थ देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को दिव्यांश कौशिक अभिमन्यु सिंह जोगी बाबू मनुष और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ, साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया कि ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कार्तिक जी कृष्ण ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो श्रीनिवास जो है वो इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं एंड उन्हीं का साथ दिया है कार्तिक जी कृष्ण ने जिन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की स्टोरी को भी लिखा एंड डायलॉग्स वगैरह को भी लिखा है प्रोड्यूसर्स की अगर यहां पर हम लोग बात करें तो सुधन सुंदरम और जी जयराम जो है वो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ योगी बाबू दिव्यांग शौशिक और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो वन चिंथन जो है वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर दिया एडिटिंग की बात करें तो जी ए गौतम जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें म्यूज़िक डायरेक्शन की तो निवास के प्रसन्न जो हैं वो इस मूवी के यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है लेकिन आगे बढ़ते हुए हम बात करते चले जी कि इस मूवी के यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी कौन सी है तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जी पैशन स्टूडियो जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की प्रोडक्शन को संभाला है अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई यानी इसे किस में रिलीज़ किया गया तो इस मूवी को यहाँ पर तमिल लैंग्वेज में बनाया गया एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोग इसे ये अपने थिएटर्स में देख पा रहे थे अपने करीबी थिएटर्स में देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर एंजॉय कर दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहां पर हम लोग शेयर करने वाले हैं बहुत सी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यू ट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2023 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि है जी जेनर के रिलेटेड कि यह मूवी जो है वो हमें प्रोवाइड क्या करेगी इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा ये किस कैटेगरी में रिकमेंडेड की जाती है कि ये इस कैटेगरी की मूवी है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि ये साईफाई है या फिर ये थ्रिलर है हॉरर है फैंटेसी है कॉमेडी है एक्शन है क्या है ये मूवी में हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो आप लोगों को बताता चलू कि ये एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को एक्शन के साथ साथ रोमांस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोगों को यहां पर एक्शन एंड रोमांस बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से तो एक डिसेंट सी टाइम डोरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेसन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेसन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग है फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इसे के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की तरफ से 55 तक किया गया। जो काफी अच्छी खासी है। अब हम बात करते हैं जी, कास्टिंग की, कौन कौन से ऐसे एक्टर्स है सिद्धार्थ देखने को मिल जाएंगे दिव्यांश कौशिक अभिमन्यु सिंह योगी बाबू मनुष और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ, साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया कि ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कार्तिक जी कृष्ण ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो श्रीनिवास जो है वो इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं एंड उन्हीं का साथ दिया है कार्तिक जी कृष्ण ने जिन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे

लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो वन चिंथन जो है वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम दिया एडिटिंग की बात करें तो जी ए गौतम जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें म्यूज़िक डायरेक्शन की तो निवास के प्रसन्न जो हैं वो इस मूवी के यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है लेकिन आगे बढ़ते हुए हम बात करते चलें जी कि इस, के यहां पर कौन सी है? तो इस की अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई में रिलीज किया गया तो इस मूवी को यहाँ पर में बनाया गया एंड इसे हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोग इसे ये अपने थिएटर्स में देख पा रहे थे अपने करीबी थिएटर्स में देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2023 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहां पर हम लोग शेयर करने वाले हैं बहुत सी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यू ट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2023 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी टक्कर के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि है जी जेनर के रिलेटेड कि ये मूवी जो है वो हमें प्रोवाइड क्या करेगी इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा ये किस कैटेगरी में रिकमेंडेड की जाती है कि ये इस कैटेगरी की मूवी है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि ये साईफाई है या फिर ये थ्रिलर है हॉरर है फैंटेसी है कॉमेडी है एक्शन है क्या है ये मूवी में हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो आप लोगों को बताता चलूँ कि ये एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी है जिसमें आप लोगों को एक्शन के साथ साथ रोमांस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एक्शन एंड रोमांस बहुत ही अच्छे अंदाज़ में देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेसन है वो मेरे हिसाब से तो एक डिसेंट सी टाइम डोरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेसन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेसन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग है फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से यूजर्सेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं जी कास्टिंग की कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को सिद्धार्थ देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को दिव्यांश कौशिक अभिमन्यु सिंह योगी बाबू मनुष और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया कि ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कार्तिक जी कृष्ण ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो श्रीनिवास जो है वो इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखने वाले हैं एंड उन्हीं का साथ दिया है कार्तिक जी कृष्ण ने जिन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की स्टोरी को भी लिखा एंड डायलॉग्स वगैरह को भी लिखा है प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो सुधन सुंदरम और जी जयाराम जो है वो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को सिद्धार्थ योगी बाबू दिव्यांश श कौशिक और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो वन चिंतन जो है वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर दिया एडिटिंग की बात करें तो जी ए गौतम जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से